हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत खुश होंगे, चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मिलेगा एवरेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए एवरेज का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं और उसके साथ ही कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगली वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, साथ ही कुछ एग्जाम्पल होगा, साथ ही उसके कुछ और एक वीडियो में ये क्या बोलते हैं जो सीट है, क्वेश्चन का सीट, तो उससे जो है आपको क्वेश्चन जो सॉल्व हम कराएंगे वहां से भी सीखने का आपको मौका मिलेगा। हर प्रकार का आप देख लीजिए सीट में जो है, सीट कुछ लाजवाब है। किधर गया सीट? हाँ यहाँ पे आते हैं। तो ये रहा आपका अपना सीट, अग्निजा कॉम्पिटेटिव एकेडमी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है, और वही सवाल जो है कुछ फ्यूचर ईयर भी, जो वर्तमान में तो उनका ट्रेंड नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं, तो उस टाइप के सवालों को भी हमने कवर किया हुआ है। चाहे वो सवाल हलवा हो या फिर नाक में दम करने वाला सवाल, समझ गए? तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर। बेसिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेसिक जो है नहीं करेंगे। आपको पता है कि भाई, एक सेकेंड जरा पेन चेंज कर ले। हाँ, आपको पता है कि भाई औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, इंग्लिश में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई कहे कि किसी स्कूल के जो टीचर हैं, स्कूल के टीचर जो हैं, तो उसमें मान लीजिए कि पांच टीचर हैं, ठीक है? तो स्कूल के टीचरों का जो वेतन है वो कुछ इस तरीके का है कि 5,000 है, 12,000 है, 13,000 है और 7,000 है, 8,000 है। तो इसका अगर कोई कहे कि औसत निकाल के बताइए, औसत क्या होता है? औसत एक आंकड़ा होता है अंदाजा के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जी के पास कोई डाटा जाता है हमारे यहाँ बेरोजगारी का या फिर किसी भी और चीज का, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का ले लीजिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो जाता है डाटा की भाई, मान लीजिए कि कोरोना के वजह से कितने लोगों का रोजगार जो है छिन गया। तो मान लीजिए कि अगर जाएगा कि हाँ भाई रोहतास जिला से, वो क्या लिख के जाएगा कि रोहतास जिला से भाई चलिए 500 लोगों का रोजगार छिन गया, उसके बाद जो है औरंगाबाद जिला से 700 लोगों का छिन गया, उसके बाद मान लीजिए कि पटना जिला से इतना छिन गया, 300 छिन गया। तो क्या ऐसे बता पाना पीएमओ के पास ये सब संभव है? पूरा कई सारा जिला है, अगर जिला वाइज बताने लगा जाए तो क्या ये संभव है? क्या एक एक करके वो बताएगा कि भाई वो जो डाटा वहाँ पे लेकर जाएगा वो एक एक करके बताएगा कि 500 यहाँ है, 700 यहाँ है, और मोदी जी बैठ के सुनेंगे चुपचाप, हाँ बताइए बताइए, ऐसे करेंगे नहीं ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे इस्तेमाल किया है। वो क्या करेगा, जितना भी जिला है जिला से भाग दे देगा, जितने जिला का संख्या है उससे भाग दे देगा, कितना में, जितना डाटा आ रहा है उस सबको जोड़ करके। जैसे कि यहां पर समझते हैं कि जैसे कि 5,000 यहाँ पे है एक टीचर का, फिर 12,000, 13,000, 7,000, 8,000, तो 12, 5, 17, 13, 30, 7, 37, 8, 45, यानी कि 45,000 हमारा आ रहा है यहाँ पे आपका क्या चीज, टोटल इन लोग का सैलरी टीचर का। तो यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? आप बोलेंगे पांच टीचर हैं, तो पांच से भाग मार देंगे और वो स्कूल जब कहेगा तो कहेगा भाई हमारा जो एवरेज सैलरी है टीचर लोगों का वो 9,000 है। तो यहीं से जो है एक कॉन्सेप्ट का डेराइव होता है, डेरिवेशन होता है डेविएशन का कॉन्सेप्ट। डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो डेविएशन जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ही होता है विचलन, कि मतलब हम लोग उसमें एवरेज से तुलना करते हैं कि कितना जो है वो मार्ग विचलित हो रहा है। जैसे कई लोग पढ़ाई के दौरान भी डेविएट कर जाते हैं, अपने मार्ग से बिछड़ जाते हैं, कोई अपना गलत रास्ता पकड़ लेता है, कुछ और रास्ता पकड़ लेता है जो जिसको नहीं पकड़ना चाहिए, तो वहां पे वो अलग बात हो गया। यहाँ पे डेविएशन मेथड जो है एक कॉन्सेप्ट है। तो डेविएशन बोलता है कि भाई कंपेयर कीजिए, जो एवरेज ओरिजिनल है उससे आप जो है ओरिजिनल यहाँ पे जो लोग सब सैलरी दिया गया है उससे कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर देखिए कैसे करते हैं, ये 5,000 है ठीक है, तो 9,000 एवरेज है, तो 9,000 से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
4000, और क्या है ये कम है तो माइनस का 4000, ये क्या है ये ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है तो प्लस का 3 के मतलब हजार, और यहाँ पे 4 ज्यादा है तो 4 के, तो कितना प्लस का 4 के, और यहाँ पे 7 जो है यानी कि 2 कम है कितना तो माइनस का 2 के, ये क्या है 1 कम है तो माइनस का 1 के। अब देखिए 4000 ये माइनस का, ये 4000 प्लस का, ये आपस में कट गया, ये 3000 प्लस का, और ये दोनों मिलके माइनस का 3000 हो जाएगा, ये जो है प्लस माइनस फिर यहाँ पे 3000 जो है अपने आप में कट गया, तो हमारा जो नेट डेविएशन आया यहाँ पे, जो नेट डेविएशन आया वो क्या आया, यहाँ पे शॉर्ट हम लिख रहे हैं नेट डेविएशन हमारा आया 0। तो एक चीज आपको ध्यान रखना ये है कि नेट डेविएशन एवरेज के संदर्भ में हमेशा 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, टोटल डेविएशन कहें या फिर नेट डेविएशन कहें वो 0 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको जो है एग्जाम में सवालों को सॉल्व करना है, अब से वो जो जोड़कर और भाग देने वाला है उसको जो है भूल जाइएगा, कहीं कहीं उसको लगा सकते हैं तो उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे से यहाँ पे ये कितना छोटा सवाल है 21.5 19.5 हर जगह पॉइंट में डाल के, लेकिन यहाँ पे अगर आप जोड़ के वैसे करेंगे और फिर भाग मारेंगे तो यहाँ फिर कर लेंगे सही हो जाएगा, लेकिन टाइम का बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का सवाल जब भी मिले अब से डेविएशन मेथड से आप करेंगे, ठीक है। जैसे कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम लगाएं इस वाले सवाल में 53.75, यहाँ पे 54 है, ये 54.25 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि चलो भाई हम यहाँ पे मान लेंगे डेविएशन में, आप एक चीज और कीजिएगा कि मान लीजिएगा, मान लेंगे हमको क्या है कि एवरेज तो पता होता नहीं है, एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि एवरेज हमारा 54 है, तो 54 हम मान लिया कि एवरेज है, और उस वाले तरीके से आप जोड़ेंगे फिर भाग देंगे तो आप उससे दिक्कत होगा, तो यहाँ पे एवरेज यहाँ पे है 54 मान लिए हैं। अब देखेंगे ये पॉइंट का 25 जो है कंपेयर अब कर रहे हैं, तो डेविएशन यहाँ पे मिल रहा है 0.25 का माइनस में, यहाँ पे भी 0.25 का डेविएशन मिल रहा है लेकिन ये प्लस में है। अब देखेंगे प्लस का 0.25 माइनस का 0.25 कट जाएगा, जो नेट डेविएशन हमारा आया 0 आया, यानी कि हम जो 54 माने हैं 54 ही हमारा हो जाएगा क्या चीज एवरेज। अगर नेट डेविएशन 0 आता है तो एवरेज सही हो जाता है, जो माने होते हैं वही हो जाता है, अगर नेट डेविएशन कम या ज़्यादा होता है तो वो भी आप सीख लीजिए। यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1950 है, 1950 से 1800 है, 1650 है, यहाँ पे नेट डेविएशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज निकालना है हमको, तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है डेविएशन मेथड ये बोलता है कि मान लीजिए किसी को, तो हमने मान लिया कि चलिए भाई 1950 हमारा हो गया यहाँ पे एवरेज, हम ये मान लिए, अब मान लिए, ठीक है। जब मानेंगे तो यहाँ पे आएंगे कंपेयर करेंगे, 1800 के पास आए तो भाई देखिए ये 150 जो है ज्यादा है तो प्लस का 150, यहाँ पे डेविएशन 150 का है ना तो प्लस का 150। अब यहाँ पे आए 1650 पे तो इससे जो है डेविएशन कितना है, यहाँ पे ये 300 का डेविएशन है, और कितना प्लस में है कि माइनस में, तो 1650 जो है कम है तो माइनस में। अब देखिए प्लस का 150 और माइनस का 300, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 150 और माइनस का 300 है, तो डिफरेंस लेंगे तो 150 में से प्लस, प्लस 150 में से माइनस का 300 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 150, यानी कि हमारा जो नेट डेविएशन आएगा वो कितना आएगा माइनस का 150, ठीक है। तो यहाँ पे 1950 जो हम माने हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि 1950 जो आप माने हैं उसमें से आप 150 जो है माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस 150 आ रहा है, तो 150 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1800, और यही हो जाएगा इसका एवरेज, यानी कि इस तरीके से जो है डेविएशन आपको निकालना होता है, समझ रहे हैं बात कि नहीं। आगे सवालों पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का सवाल आपको देखने को कभी मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 23 है, 15 है, 19, 12, 7 और x का औसत 16 है, तो x क्या होगा ये आपसे पूछ दे, तो इस टाइप के सवालों को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एवरेज आपको यहाँ तो पता पहले ही से है, पहले ही एवरेज पता है, और आपको पता ये भी है कि जो टोटल डेविएशन होता है वो 0 है,
जीरो होता है किसके संदर्भ में, एवरेज के संदर्भ में। तो बस तुलना करेंगे, 23-16 से क्या है 7 ज्यादा है +7 लिखेंगे, 15-16 से क्या है 1 कम है तो -1 लिखेंगे, 19 जो है 3 कम है किससे ज्यादा है, सॉरी 3 ज्यादा है तो +3 लिखेंगे, 12 जो है 16 से 4 कम है तो -4 लिखेंगे, और 7 जो है 9 इससे कम है तो -9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए +7 और यहाँ पे +3 तो कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, हमको +10 मिल गया। और यहाँ पे देखिए -1 -4 और -3 तो कितना हो जाएगा, 9, 4, 13, 1, 14, यानी कि +10 तो आ रहा है लेकिन -14 आ रहा है। अब डिफरेंस ले लीजिए, 14 में से 10 जाएगा 4 आएगा लेकिन माइनस का होगा यानी कि -4, हमारा जो डेविएशन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है -4, लेकिन आपको पता है टोटल डेविएशन हमारा जीरो होता है तो हम क्या करें कि -4 जीरो हो जाए तो क्या करेंगे +4 कर देंगे सिंपली, समझ रहे हैं बात कि नहीं। अब प्लस चार किसके संदर्भ में कर रहे हैं, इस एवरेज के संदर्भ में कर रहे हैं, तो जो 16 था उसमें +4 ऐड कर देंगे तो एवरेज जो हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा एवरेज। यहाँ पे हो सकता है आपको सवाल थोड़ा लग रहा है कि जोड़ कर ही करना आसान है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे जोड़ कर ही करना और फटाक से हो जाएगा, उसे जोड़ने से ऐसे डेविएशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब लंबा लंबा सवाल कुछ मिले पॉइंट में डाल के, कुछ इस तरीके का मिले थोड़ा लंबा सवाल, या फिर कुछ इस तरीके का यहाँ जो सवाल है इस तरीके का सवाल आपको कभी मिल जाए, या फिर कुछ और बड़ा बड़ा सवाल जो कैलकुलेटिव हो, तो उनको जो है जोड़ कर करना से बेहतर है कि आप डेविएशन मेथड से ही करें आगे से। ठीक है, अब देखिए जैसे 239 है, इसको भी एक बार हम कर देते हैं, एक एग्जांपल इसको ले लेते हैं, एक सवाल आप पे हम ये छोड़ते हैं, डेविएशन मेथड से आप इसको खुद बनाइएगा। अब देखिए 239 है, 147 है, 211 है, 479 है, यहाँ पे और एम है और एम का औसत 240 है, तो आपको एम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करते हैं भाई, आपको पता है तुलना करते हैं, तो ये डेविएशन कितना दे रहा है 240 के संदर्भ में, ये 239 जो है डेविएशन कितना दे रहा है, आप बोलेंगे माइनस का एक दे रहा है तो माइनस का एक लिख दिए यहाँ पे हम। अब 147 कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे 53 और 40 73, यानी कि माइनस का 73 दे रहा है। अब ये 211 कितना, माइनस का 29 दे रहा है, और 479 कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है आपका 239 दे रहा है, 239 होगा ना 40, हाँ ठीक है 239 दे रहा है, कितना में, प्लस में दे रहा है। तो अब देखिए 73 और 174 सारे माइनस वाले को हम जोड़ रहे हैं, 73 1 74 9 74 9 हो जाएगा आपका 83 20 103, तो 103 यहाँ पे माइनस का आया है, यहाँ पे तो 203 है वो प्लस का आया है, तो हमारा जो नेट डेविएशन है क्या करेंगे, घटाइए 9 में से 3 जाएगा 6, 23 में से 10 जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है 13 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डेविएशन आ रहा है प्लस का 136 आ रहा है, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा उसको तो आपको पता है कि नेट डेविएशन जीरो होता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको जीरो में खिला दें, तो प्लस का 136 है उसको आप माइनस का 136 कर दीजिए, यानी कि जो आप एवरेज 240 है उसमें से 136 घटा लीजिए, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 104 हो जाएगा इसका आंसर। तो नेट डेविएशन से सवालों को ऐसे करना होता है, समझ रहे हैं बात कि नहीं। आप इसको चाहें तो उस तरीके से भी कर लीजिए, ट्रेडिशनल वाले तरीके से, क्या उससे भी ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है देख लीजिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5, तो 240 टोटल हमारा एवरेज है, तो हमारा औसत योग अगर निकालना हो औसत योग, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि 240 में 5 से गुणा कर देने पे जो आएगा वो हमारा औसत योग होगा, यानी कि 240 × 5 यानी कि 1200 होगा औसत योग। तो यहाँ पे अब इसको सबको जोड़ें, तो 239 और यहाँ पे 211, तो दो पहले खुदरा वाले को जोड़िए, 39 और 11 50, 50 47 97, 97 और 79 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 176 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 3 2 5 4 9 और ये 176, यानी कि 1076 जो होगा वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमको तो बनाना है इसको, क्या आपको इसको बनाना पड़ेगा साहब
क्या बोलते हैं कि 1200 बनाना है, यानी कि इसमें 124 आपको प्लस करना होगा, 124 प्लस करना होगा तभी तो 1200 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ यहाँ पे कैलकुलेशन में हुआ है। एक सेकेंड जरा कंपेयर करके फिर से देखते हैं, इसको जरा अनक्लीन करते हैं, थोड़ा सा माइनस का 1 ये सब जो है क्लीन करते हैं डेविएशन से जो हम यहाँ पे लाए हैं। हाँ जी, तो 239 जो है कम है, कितना माइनस का 1, 147 तो घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, और 23 में से 14 जाएगा 9, 93 ही यहाँ पे है जी। हाँ ठीक है, तो 93 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 211 है तो यानी कि माइनस का 29, और यहाँ पे 239 प्लस का है। अब डेविएशन हम निकालते हैं पूरा टोटल पे, तो 93, 94, 94 और 29 कितना हो जाएगा, 9, 2, 11, 110 और 23, 123 हो जाएगा। फिर से 93, 94 और तो 9, 2, 11, 110 और 13, 123 हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाला, और ये हो जाएगा प्लस वाला 239। तो 239 में से जब 123 घटेगा तो हमारा आएगा क्या, 116 आएगा। 116 क्या में आएगा, तो वो आएगा आपका इसमें प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस में से माइनस हो रहा है, घट रहा है, बड़ा वाला में छोटा घट रहा है, तो प्लस का 116 आएगा। लेकिन हमारा नेट डिविएशन जीरो करना है तो माइनस का 116 हो जाएगा, यानी कि जो 240 हमारा एवरेज हम माने थे उसमें से आपको घटा देना है 116 को, जो कि हमारा आ जाएगा 124 यहाँ पे उसका आंसर। तो एक्स का वैल्यू हमारा 124 हो जाएगा, न कि 104, समझ रहे हैं बात की नहीं। तो ऐसे जो है बस करना होता है, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, तो इसको जो है रहने देते हैं। हाँ एक चीज आपको जो है और याद रखना होगा कि ये जो प्रथम एन संख्याओं का योग जो होता है वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। अब आपसे कोई कहे कि तनी बताइए प्रथम एन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहीं से एक चीज जो है डिराइव होता है। क्या डिराइव होता है, जैसे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये सब क्या है, ये सब संख्याओं का योग है, और संख्याओं के योग में हम अगर टोटल संख्या से भाग दे दें जितना संख्या है तो जो है औसत आ जाता है। तो हमारे पास संख्या कितना है, हमारे पास संख्या एन गो है, तो एन से अगर हम भाग मार दें तो आप देखेंगे ये एन से ये एन कट जाएगा, तो हमारा जो औसत आएगा एन प्लस वन बाई टू आएगा। क्या चीज का, प्रथम एन संख्याओं का औसत निकालने का हो जाएगा ये तरीका। अगर आप ये बात समझ पाए तो सही है, नहीं समझ पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि प्रथम एन संख्या, तो यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक का कोई कहे कि आप एवरेज निकाल कर दिखाइए, तो आप ट्रेडिशनल वाले तरीके से पहले करके देख लीजिए। इसका जो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 28 बट्टा में आपका 7 आंकड़ा है, तो 7 तो 4 हो जाएगा ट्रेडिशनल वाले तरीके से इसका एवरेज। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो लास्ट वाला है, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू दोनों अगर हम यहाँ पे निकालें, एक ये भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू जो कि हमारा इस हिसाब से भी 4 हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो तरीका आया है एन प्लस वन बाई टू से आया है। एन प्लस वन बाई टू कैसे भाई, संख्या मान लीजिए अगर 7 गो है तो 7, 1, 8 बटा 2, 4, उस हिसाब से भी, नहीं समझ रहे हैं बात। तो यहां से मैथमेटिकली अगर समझना हो तो आप एन प्लस वन बाई टू कहाँ से आता है वो आप सीख गए होंगे, अब तक आप रटते आए होंगे, तो यहां से ये आता है। यहाँ पे एक चीज और आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप बोलेंगे कि यहाँ जो है वो हम कह सकते हैं कि 3 अंक इधर 3 अंक इधर और बीच वाला हमारा हो जा रहा है एवरेज। जी बिल्कुल है, यहाँ पे बीच वाला भी आप यानी कि एक कॉन्सेप्ट ये भी कह सकते हैं कि मिडिल वाला ही हमारा जो अंक होता है वो होता है एवरेज, मिडिल नंबर। लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब क्रमागत संख्या या तो दिया हो या फिर जो सीरीज दिया है एपी, वो सबका अंतर जो है समान हो। ऐसे भी क्रमागत संख्या का अंतर समान रहता है तो वो भी एक सीरीज ही है, बस समझने का फेर है। ठीक है, बस चलते हैं हम लोग आगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि भाई बताइए 102 से लेकर 120 तक के नंबर का एवरेज निकालिए,
तो यहाँ पे आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जरा बताइए। डेविएशन करेंगे क्या वहाँ पे? नहीं ना, वहाँ पे क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे 102 से लेके 120 तक, आप फिर भाग दे देंगे जितना नंबर है, नहीं ना। तो इसलिए जो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू वाला तरीका है वही जो है यहाँ पे अपनाना होता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है 102 है, लास्ट में क्या है 120 है। तो 102 प्लस 120 जब आप करेंगे और 2 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो मिलेगा आपका 51, यहाँ से मिलेगा आपका 60। तो 60 प्लस 51 यानी कि 111 हो जाएगा, 111 नहीं, हाँ 111 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। समझ रहे हैं बात? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, अब चलते हैं। जैसे मान लिया कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा आप कहिए कि भाई 1 से 100 तक निकालना है, तो पहला अंक लीजिए 1, दूसरा अंक लीजिए लास्ट वाला जो है 100, तो 100 प्लस 1 यानी कि 101, 2 से भाग मार दीजिए तो 50.5 हो जाएगा इसका एवरेज। क्या हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल किए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। आप देखें कि यहाँ पे भी जो मिडिल वाला नंबर है वो काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो क्रमांकित संख्याओं का डिफरेंस होता है वो बराबर रहता है सब, यानी कि वो एपी में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मिडिल वाला नंबर भी एवरेज निकालने के लिए काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं इतना कुछ तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे, एग्जाम्पल से यहाँ पे समझिए। तो चलते हैं, जैसे कोई बोले कि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। तो देखिए कोई कहे कि भाई प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत जरा बताइए, तो यहाँ पे एक सेकेंड, जरा एन प्लस 1 होता है ये कैसे होता है ये अभी आपको पता चल जाएगा, अभी तक आप रटते आए होंगे। देखिए प्रथम एन सम संख्याओं का औसत कोई कहे तो सम संख्या प्रथम सॉरी प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत अगर कोई निकालने को कहे तो शुरुआत में 2 होगा, प्रथम वाला 2 होगा सम संख्या, फिर 4, 6 तो 3 हो गया सम संख्या, तो आप तीनों को जोड़ेंगे 6, 4, 10 तो 12, 12/3 आपके हिसाब से ट्रेडिशनल वाले तरीके से कितना जाएगा 4, ठीक है 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे क्या हो गया हमारा एवरेज। अगला अगर चलें 4, ये प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत जरा हम निकालने चलें, तो यहाँ पे 3 सवाल हम इस तरीके का लिए हैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए, यहाँ से आप समझ जाएं कि ये जो n प्लस 1 आता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसी चीज़ को आपको मैं ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत अगर पूछे तो देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 20 में कितना 4 से भाग मार दें क्या, आप बोलेंगे हाँ जी, तो 4 से अगर भाग मार दें तो 5 आ जाएगा, और इस जो प्रथम 4 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना 5 हो जाएगा, और प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत कितना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत जो पूछा है तो वो क्या होगा 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 में क्या करेंगे 5 से भाग मारेंगे, क्योंकि प्रथम 5 है तो 5 को संख्या है तो 5 से भाग मारेंगे, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा माय डियर, वो 6 आएगा, ठीक है। आप एक चीज अब ऑब्जर्व कीजिए, सम संख्या का बात कर रहा है, प्रथम 3 सम संख्या का जब बात किया है तो उसका एवरेज 4 हो जा रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अब देखिए प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत पूछा तो 5 हो रहा है, यानी कि प्रथम जितना पूछ रहा है उसमें 1 बस जुट जा रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा तो 6 हो गया, यानी कि जितना प्रथम संख्याओं का औसत पूछ रहा है उसमें केवल 1 बढ़ा देने पे वही हो जा रहा है उसका एवरेज। तो यहाँ पे अगर कोई कहे कि भाई पहली n सम संख्याओं का औसत कोई पूछे तो n सम संख्या है तो उसमें आपको पता है कि सब में 1 बढ़ता है, तो हम n में भी 1 जोड़ दिए तो n प्लस 1 हो जाता है हमारा इस तरीके से, और ये एक फॉर्मूला की तरह से आप भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब आप ये समझ गए हैं, ये सब ऑब्जर्व करके समझ गए हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं? तो चलते हैं आगे, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत अगर कोई आपसे अब पूछ दे तो क्या आप कुछ जोड़ने लगेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, नहीं ना, डेविएशन लगाएंगे, नहीं ना, क्या करेंगे मिडिल वाला करेंगे, नहीं ना, क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा सीधे आंसर, बस इतना ही करना होता है। अब देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड एन ऑड नंबर्स, देखिए प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप ध्यान दीजिए 5, 3, 8, 1, 9,
एवरेज कैसे निकालते हैं, सही ना, जोड़ेंगे फिर तीन से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो एवरेज आ रहा है वो तीन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज तीन आया। अब देखिए सात पांच बारह तीन चौदह एक पंद्रह, प्रथम चार विषम संख्या है तो क्या करेंगे, सात पांच बारह तीन पंद्रह एक सोलह आ जाएगा जी, सोलह आएगा। तो सोलह में चार से भाग मारे तो कितना यहाँ पे एवरेज आया, तो चार ही आया। अब देखिए तीन एक चार पांच नौ सात सोलह नौ पच्चीस, यहाँ पे एवरेज कितना आया, पच्चीस बटा पांच किए तो पांच हमारा एवरेज आया। तो आप देख सकते हैं कि जब हम विषम संख्याओं का प्रथम इन विषम संख्याओं का औसत निकालने चल रहे हैं तो उसमें केवल कुछ बढ़ उड़ नहीं रहा है, ज्यों का त्यों वो संख्या ही रह जा रही है। जैसे प्रथम तीन विषम संख्या के यहाँ पे औसत निकाले हैं तो तीन ही हमारा हो गया है क्या आंसर, तीन आंसर हो गया है, ये तीन है। तो यहाँ पे अगर प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत निकाले हैं तो चार ही हमारा हो गया है आंसर, नहीं, प्रथम पांच का विषम संख्याओं का औसत निकाले हैं तो पांच ही हमारा हो गया है आंसर। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन और नंबर्स, यानी कि प्रथम एन संख्याओं का औसत अगर कोई निकालने को बोले तो एन ही हमारा हो जाएगा आंसर। जो बोला है जितना प्रथम एन बोला बस वही एन हो जाएगा हमारा आंसर। अगर कोई कहे आपसे कल, कोई तो नहीं बता देंगे कि कोई कहे कि प्रथम 115 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो फटाक से क्या करेंगे, विषम है भाई, हाँ चलो विषम है, प्रथम है, हाँ भाई प्रथम 115 विषम है, प्रथम भी है और विषम भी है तो 115 ही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। कल कोई कहे कि नहीं तुम 120 प्रथम सम संख्याओं का औसत बताओ तो 120 में एक जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। तो बस इतना ही जो है करना होता है, आप इसको मैथमेटिकली याद कर सकते हैं, एन एवरेज वाला फर्स्ट एन ऑड नंबर्स वाला एन कर सकते हैं और वो वाला एन प्लस वन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है आसान पड़ेगा कि बस जो आप ऑब्जर्व कर लिए उस तरीके से अगर आप याद रखें तो ज्यादा आसान रहेगा। चलते हैं आगे। अब देखिए सीरीज ऑफ इक्वल डिफरेंस या फिर एपी, हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी, हाँ समांतर श्रेणियों का, सीरीज ऑफ इक्वल डिफरेंस, हाँ समांतर श्रेणियों का श्रेणी, समान अंतर का श्रेणी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में अपना एडजस्ट कर लिए समझ जाइए क्या होगा। तो यहां पे देखिए 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24, यहां पे हम क्या जोड़ने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो कितना है, तीन है, डिफरेंस कितना है, तीन है, हर जगह डिफरेंस कितना है, तीन है। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज निकालने चलें, थोड़ा आपने ट्रेडिशनल तरीके से आप निकालेंगे तो 12, 15, 27, 18, 27, 45, 21, कितना 76 और 24, 76 नहीं कुछ गलती हो रहा है, 12, 15, 27, 27, 8, 35, 10, 45, 45 और 21, 66, 66, 4, 70, 20, 90, पांच नंबर है तो पांच से भाग मार दिए 18, यानी कि जो एवरेज है वो 18 आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जब डिफरेंस सेम है तो इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, आप ये तरीका भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कि बीच वाला नंबर सीधे बोल सकते हैं कि भाई दो संख्या इधर छोड़िए, दो संख्या इधर छोड़िए, बीच में जो नंबर है वो हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इस टाइप के सवालों में भी हैरानी की बात यह है कि आपको जो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू जो बताया गया है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू जो बताया गया है वो भी तरीका यहाँ काम करेगा और यहाँ पे ये दी बेस्ट है। मिडिल वाला नंबर भी यहाँ के काम करेगा लेकिन उसका उपयोग है तो इसलिए आप जो है उसको भूलिएगा नहीं, मिडिल वाला नंबर भी आप बता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे तो आपको जो है पांच नंबर दिया है तो आप फटाक से पकड़ लिए कि बीच में कौन होगा, दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए और कह दिए कि बीच में ये नंबर होगा। लेकिन कलको साहब यहाँ पे क्या कर दे कि छः छः नंबर दे दे, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ और नंबर डाल दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि हम कर दें कि चलिए चार डाल दिया, चार, तो यहाँ पे अब छः नंबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, बीच वाला अगर निकलना हो बीच वाले कॉन्सेप्ट से तो बीच में कौन नंबर है पकड़ में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए कैसे पकड़ेंगे, ऐसा कीजिए कि बीच में नंबर पकड़ना है तो बीच में का मतलब ही क्या होता है कि जितना संख्या उस संख्या के बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर होगा। अरे भाई आप पांच लोगों के बीच में बैठेंगे तो दो लोग आपके बाईं ओर, दो लोग दाईं ओर, ऐसा ही तो होता है बीच में।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो लोग इधर छोड़ेंगे और दो लोग इधर छोड़ेंगे और बीच में जो लोग बच जाएंगे, दो लोग ही बचेंगे, तो दो लोगों को जोड़ के और भाग जो है मार देंगे, तो उस हिसाब से भी जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। तो 21 18 39/2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19.5। ठीक है, और इस तरीके से भी जो है कर सकते हैं, 24 के बजाय सॉरी यहाँ पे 28 कीजिए, गलती हो जाएगा, फिर एक सेकेंड इसको काटिए सब, 24 के बजाय 21 दिन 24 दिन 27 कीजिए, यहाँ पे 27 तभी काम करेगा, इक्वल डिफरेंस है ना, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, 24 के बाद 27 कर लीजिएगा। अब 27 + 12 39/2 19.5 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, 19.5 इस हिसाब से भी आ रहा था वो बात अलग है, लेकिन आप यहाँ पे 27 कर ही लेंगे, दूसरा नहीं। तो यहाँ पे भी बीच वाला आप निकालना सीख गए, जब बीच वाला निकालने में थोड़ा दिक्कत आए तो बीच वाला दो गो नंबर पकड़ते हैं और दो से उसको भाग देते हैं, तो हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक है, अब इस टाइप पे ही ये सवाल हमने लिया है, इसको आप खुद करेंगे। अब देखिए आगे जो सवाल है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 × 3, 3 के प्रथम 5 गुणनखंडों का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप खुद बताइए कि 3 से शुरू होगा, क्या है कि 3 का पूछा है और प्रथम यानी 3 से शुरू होगा प्रथम 5 को, तो 3 × 6 = 3×12 इसको मिटा के 3×12 3×5 = 15 यानी कि 5 को तो हमको चाहिए, तो और 3×6 = 18 3×6 = 9 यहाँ पे 9 छूट रहा है, फिर से लिखते हैं 3 × 6 = 3 × 9 × 3×12 × 5 = 15 तो 5 को हम लिख दिए 3 का मल्टीपल। अब क्या करेंगे, तब आप यहां से फिर निकाल सकते हैं कि भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कैसे, क्यों यहाँ पे डिफरेंस भी क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। अभी हम आपको बताएं कि जब एवरेज निकालना हो और सीरीज दिया हो, सबका डिफरेंस सेम दिया हो, या फिर कह सकते हैं कि एपी में दिया है, एपी में दिया है, तो सबको हम जोड़ने के बजाय और डेविएशन ये सब कुछ नहीं निकालेंगे, बल्कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हम कर देंगे और वहीं हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर। तो 15 × 3 = 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जो कि उस हिसाब से भी दिया है कि अगर आप पकड़ने चले कि भाई बीच वाला पकड़िए, तो 2 इधर 2 इधर बीच में पड़ गया 9 हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एक सवाल ये हम आप पे छोड़ते हैं, 1 से 100 तक का एवरेज निकालना हो गया है। अब आते हैं जैसे कि कुछ इस टाइप का सवाल कभी आ जाए, आपको देखने को मिल जाए कि यहाँ पे 1 1 बार दिया है, 2 2 बार दिया है, 3 3 बार दिया है, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा और उसका एवरेज निकालने को बोलेगा, तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सम अगर करेंगे ट्रेडिशनल वाले तरीके से, अगर आपको हम निकाल के दिखाएं, तो ये 1 है, ये 4 है, ये 3 3 9 है, अब सबको जोड़ेंगे, 9 4 13 1 14 और 14 है, तो 3 3 नंबर का वो है, 3 × 2 = 5 × 6 = 14/6 यानी कि 7/3 यहाँ पे हमारा एवरेज आ रहा है। लेकिन आपको जिस तरीके का इस्तेमाल करना है वो है एक यहाँ पे फॉर्मूला या फिर ट्रिक कह सकते हैं कि ट्रिक का इजाद होता है इसी कॉन्सेप्ट से कि 2 1 + 1/3 एक ट्रिक है, उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो फटाक से बिना कुछ किए ही इसका आंसर दे देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे n के जगह पे रखेंगे, क्या n के जगह पे मैक्सिमम जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो रखते हैं हमेशा, तो यहाँ पे n के जगह पे क्या रखें, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है, तो 3 रखिए, तो 2 × 3 + 1 बट्टा में 3, तो 3 × 6 = 7/3 इस हिसाब से भी आ गया, क्या आ गया। अब बात आती है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट आप ये बताए हैं वो आता कहाँ से है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आता कहाँ से है, तो वो भी आप सीख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये जो आता जहां से है। देखिए जब हम जोड़ने चलेंगे तो ऊपर वाले का जोड़ेंगे, औसत ऐसे ही तो निकलता है, औसत कैसे निकलता है कि भाई ऊपर सबको जोड़ेंगे वो होगा और नीचे जितना संख्या है वो होगा, तो भाई 1 + 4 + 9 ऐसे रहेगा, और नीचे कितना नंबर है, 1
दो एक तीन, तीन छः, तो नीचे जो है छः नंबर है क्या? तीन दो पांच एक छः नंबर है, छः नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसको जरा हम फिर से लिखते हैं कि भाई ये एक, ये दो, ये तीन, एक दो तीन, ये एक बार है, ये दो बार है, ये तीन बार है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ऊपर जो है सो है, एक प्लस चार प्लस नौ जो है सो है, और नीचे एक प्लस दो प्लस तीन, ऐसे करके अगर हम लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर जो है सारे नंबर का या तीन गो नंबर का स्क्वायर बन रहा है, और नीचे जो है लगातार संख्याओं का योग बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है? लगातार संख्याओं का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का योग बन रहा है, और नीचे लगातार संख्याओं का योग बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला चीज है वो यहां से आप लगातार संख्याओं का जो योग होता है, लगातार संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बट्टा में सिक्स होता है, सिक्स होता है। इसको हम मिटाएंगे थोड़ा यहां से, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, यहाँ पे क्या हो गया? हमारा संख्याओं का योग। लेकिन नीचे तो है अभी आपको संख्याओं कै गो है, नंबर कितना है उनका ये भी लिखना है। तो ये देखिए एक से लेके एक दो तीन, ये जैसा गिनती जैसा हो रहा है, तो गिनती जैसा के लिए क्या करते हैं और इस सब का जोड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि भाई संख्याओं का योग यानी कि एन संख्याओं का योग अभी हम लोग सीखे हैं वो एक फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, अभी हमने आपको ऊपर बताया है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कन्फर्म है। देखिए प्रथम एन संख्याओं का जो योग होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, और ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का योग होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। अब देखिए ये वाला चीज जो है इसके नीचे रखेंगे यानी कि भाग मारेंगे, आप देखेंगे पलटी मारेगा तो नीचे एन प्लस वन रहेगा और ये एन प्लस वन जो है कट जाएगा, ये एन से एन कट जाएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा ये टू, तो टू जो है कटा देगा छः को तीन बार में। तो क्या हमारा यहाँ से नहीं आ गया टू एन प्लस वन बाई थ्री, जो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव होता है टू एन प्लस वन बाई थ्री। तो इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिले, जैसे यहाँ पे एक सवाल है एक एक बार है, दो दो बार है, ऐसे ही सात सात बार तक है, ऐसा जब भी मिले तो क्या करेंगे एन इन टू एन प्लस वन बाई थ्री जो है रख देंगे और वहीं हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। जैसे कि सात के जगह पे एन के जगह पे सात रखेंगे और टू एन तो दो से गुणा करेंगे, प्लस वन करेंगे और तीन से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो सात दूनी चौदह एक पंद्रह, पंद्रह बट्टा तीन यानी कि पांच हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो बस इतना ही करना होता है, समझ गए? अब आप एक चीज हमको बताइए कि अब तक जब आप एवरेज निकालते चले आए हैं तो आप देखें कि जो डाटा एवरेज का आंसर आता है वो यहाँ पे देखें कि जैसे एवरेज का कितना आया था, आप बोलेंगे 9000 आया था, तो जो 9000 आया है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर ही होता है। ये हम क्या कह रहे हैं, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू समझ लीजिए जरा ध्यान से, बहुत ही काम का बात है, ऑप्शन से सवालों को करने में बड़ा मजा आएगा। मिनिमम से वो चीज बड़ा होगा और मैक्सिमम जो नंबर होगा, अधिकतम जो नंबर होगा उससे वो संख्या छोटा होगा, ठीक है? एक सेकेंड, मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा। इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, इसको ऐसे कर ले रहे हैं, एक चीज यहाँ पे एक चीज इसको पूरा घेर देते हैं, पूरा इसको हम इसको घेर दे रहे हैं। कोई भी जब एवरेज होता है तो जो दिया हुआ डाटा है वो दिए हुए डाटा के जो सबसे छोटा वैल्यू है, यहाँ पे कितना, सबसे छोटा वैल्यू 5000 है और सबसे बड़ा वैल्यू 13000 है, तो 5000 और 13000 के बीच में ही आएगा वो उसका औसत, यही हमारे कहने का मतलब है। आप किसी भी औसत को उठाकर देख लीजिए, जो डाटा दिया गया है उसका सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू के कहीं अंदर में ही होगा, उसके बाहर अगर गया तो वो औसत आप गलत निकाले हैं या फिर गलत दिया हुआ है, समझ गए बात? बस मेरे कहने का मतलब इतना था, अब समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे,
अब चलते हैं यहाँ पे, किधर गया? हाँ, अब आप एक चीज और सीखिए, जैसे मान लीजिए कि 6 है, 5 है, 4 है, और आप 6, 5, 11, 4, 15 और फिर आपका 10 ले लेते हैं, 10 नहीं, 6, 5, 11, 4, 15, 25 ले लेते हैं। चलिए, तो इसका जब आप एवरेज निकालने बैठेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए? तो 6, 5, 11, 4, 15, 25, 40, 40/4 यानी कि 10 हमारा हो जाएगा एवरेज। ठीक है, क्या 10 हो जाएगा हमारा एवरेज। अगला बार एक एग्जामिनर बोलता है, हमेशा इस टाइप का सवाल आता है कि कहेगा कि भाई सभी संख्याओं में अब दो दो जोड़ देते हैं, दो दो जोड़ देते हैं, तो सब में दो दो जोड़ दिया, हम कहने चलो भाई जोड़ दो। तो देखेंगे आप, ये 6, 2, 8 हो जाएगा, ये 5, 2, 7 हो जाएगा, ये 4, 2, 6 हो जाएगा, ये 25, 2, 27 हो जाएगा। अब आप एवरेज निकालेंगे ये सब जोड़ने के बाद, तो 8, 7, 15, 6, 21, 27, 48 कितना नंबर है? 4 नंबर है, तो 48/4 यानी कि 12। अब आप ध्यान दीजिए, पहले एवरेज कितना था? आप बोलेंगे 10 था, अब एवरेज कितना है? आप बोलेंगे 12, यानी कि क्या हुआ है? 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये 2 का इंक्रीमेंट किस वजह से हुआ है? क्योंकि सभी संख्याओं में 2-2 जोड़ दिया गया है, इसलिए एवरेज में भी 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब से ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जो अगर बोले कि सभी संख्याओं में हम इतना नंबर जोड़ देते हैं तो एवरेज में भी उतना नंबर जुट जाएगा। यही बात घटाव वाले में भी काम आता है कि बोला है कि सभी संख्या में से हम इतना घटा देते हैं तो एवरेज में भी उतना घट जाएगा। अगर बोलेगा सभी संख्याओं में से हम इतना मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो एवरेज में भी उस नंबर से गुणा हो जाएगा। अगर बोलेगा सभी संख्याओं में हम किसी नंबर से, कोई भी नंबर से इतना से भाग मार देते हैं, तो एवरेज में भी उस नंबर से भाग दिया जाएगा। कई बार साथ में बोल देगा, बोला है कि मान लीजिए कि 5 से भाग मार दिए, 5 से मार दिए भाग, और उसके बाद 2 से कर दिए गुणा, तो भाई एवरेज में भी होगा, 5 से भाग मारेंगे 2 से गुणा करेंगे। क्योंकि नहीं, 2 से तो गुणा किए हैं और उसके बाद जो है 7 सब में जोड़ दिए हैं, तो भाई ठीक है, हम भी वही करेंगे एवरेज के साथ। मतलब जो होता है सभी संख्याओं के साथ वही होगा एवरेज के साथ भी। ये तरीका, ये जो बात है उसको आप मन में बैठा लीजिए। तो इस वीडियो को फिलहाल हम इतना ही पे दी एंड करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें इस टाइप में जो सवाल बता चुके हैं कॉन्सेप्ट, उस पे जो है कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे सीट से आपके सामने। उसके बाद कुछ और जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बाकी सब आप करेंगे।